रीवा में जन्मे सफेद बाघ मोहन के वंशज आज पूरी दुनिया में चर्चित हैं। बावजूद इसके मोहन की समाधि के लिए एक चबूतरा भी नसीब नहीं हुआ, टीन की चादर तक सिमट कर रह गया है समाधि का अस्तित्व। हम आपको बता दें कि सफेद बाघ मोहन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। दुनिया में पाए जाने वाले बाघ से अलग सफेद बाघ 9 फीट लंबा, सफेद रंग, गुलाबी नाक, लंबा जबड़ा, नुकीले दांत, जी हाँ, यही है सफेद बाघों के जनक मोहन की कहानी। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1951 में सीधरी के बरगड़ी जंगल से। महाराजा मार्तन सिंह ने शिकार के दौरान 6 माह के शावक को पकड़ा और इसका नाम रखा मोहन। इस बाघ को पकड़कर गोविंदगढ़ लाया गया और इसे यहाँ रखने के लिए बाघ महल भी बनाया गया। नन्हे मोहन को महल में रखने के पुख्ता इंतजाम थे। गोविंदगढ़ बाघ महल में नन्हा मोहन अकेलापन होने के चलते उदास रहता था। काफी सोच विचार के बाद महाराज ने बाघिन भी महल में रखने का निर्णय लिया और बाघिन बेगम को महल में छोड़ दिया। इसके बाद मोहन ने जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मोहन की चर्चा देश विदेशों में पूरी फैल गई और एक एक करके सफेद बाघ पूरी दुनिया में पहुंच गए। प्रतिदिन 10 किलो बकरे का गोश्त, दूध, अंडे मोहन का प्रिय आहार था। हम आपको बता दें कि आश्चर्य की बात यह थी कि मोहन रविवार के दिन व्रत भी रखता था और उस दिन वो कुछ भी नहीं खाता था। मोहन की अठखेलियां देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते और बाघ महल की बाघों को देखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। मोहन अपनी पूरी जिंदगी जी चुका था, उसको लकवा लग गया जिसके चलते वो बीमार रहने लगा और उसी बीमारी के चलते 1969 में उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। उसे अंतिम विदाई के समय बंदूकों की सलामी भी दी गई और बंदूक को उल्टा किया गया था। सैनिकों के द्वारा कंधा देकर समाधि स्थल तक लाया गया। वर्तमान में सफेद बाघों का आंकड़ा 200 से ज्यादा माना जा रहा है। दुनिया में जितने भी सफेद शेर हैं वो मोहन के ही वंशज हैं। हम आपको बता दें कि वर्तमान में मोहन की यादें एक टीन की चादर में सिमट कर रह गई हैं, जिसे उसके चबूतरे के स्थान पर रख दिया गया है। काफी प्रयासों के बाद मुकुंदपुर स्थित महाराजा मार्तन सिंह व्हाइट टाइगर सफारी में बाघ की वापसी हुई, जिसे बिंद का गौरव भी बढ़ा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन स्थानीय लोग चाहते हैं कि उसकी समाधि स्थल को भव्य बनाया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी और पर्यटक उसके बारे में जान सके। ये विश्व का पहला वाइट टाइगर मोहन था, इसकी समाधि ये है और समाधि अभी जर्जर हालत में है, पूरा किला ही जर्जर हालत में है। अच्छे से बनना है, अच्छे तरीके से बनेगा ये। इसकी समाधि वगैरह जो कुछ इसका रहन सहन था सब अच्छे तरीके से बनना है और अभी तो काम चालू हुआ है, 4-6 महीने हुए हैं। ये भैया मोहन शेर है, इसको गोविंदगढ़ और रीवा सीधी के सेंटर में जो पहाड़ है वहाँ से इसको पकड़ा गया था। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी तक इसका जो है अभी चबूतरा तक नहीं बनाया गया है, तो कम से कम होटल वाले जो भैया लोग बनवा रहे हैं तो कम से कम इसका भी भव्य स्मारक बनाया जाए। हालत तो भैया यहाँ चबूतरा वगैरह कुछ नहीं है अभी बनाया, भी कुछ जर्जर स्थिति में है। दुनिया का पहला सफेद शेर मोहन, जिसका नाम रखा गया था, 27 मई 1951 को बरगड़ी के जंगल जो सीधी जिला में है बस्तुआ के पास, वहाँ पर कब पकड़ा गया था, छोटा सा था। दरअसल हुआ ये था कि महाराजा मार्तन सिंह जुदेव के मामा महाराज अजीत सिंह जोधपुर से आए हुए थे और महाराजा मार्तन सिंह जुदेव के ममेरे भाई महाराज कुमार स्वरूप सिंह के सब आए हुए थे। एक हफ्ते का कैंप पड़ा था, पूरा शिकारगाह का दल वहाँ पर मौजूद था, जिसमें कुमार अरिमर्दन सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी, ये लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो एक हफ्ते में करीब 7-8 टाइगर और टाइगर्स मारी गई, लेकिन जिस वक्त उनके मामा महाराज अजीत सिंह एक सफ़ेद शेर जो एक शावक था उसको मारना चाह रहे थे, तो महाराजा मार्तन सिंह ने जी ने चिल्ला के कहा, मामा जी
स्टॉप फायर और बैरल डाउन कर दिया अपने मामा के राइफल का। बोले ये बड़ा दुर्लभ शेर है, इसको मारना नहीं है। लिहाजा 27 मई 1951 को सफेद जो दुनिया का पहला सफेद शेर मोहन जिसका नाम रखा गया था पकड़ा गया और बड़ी मशक्क़त से पकड़ा गया। उसे पिंजरा बनवाया गया, पूरा शिकारगाह दल उस जगह घेर लिया था, एक गुफा में घुसा हुआ था। तो दरअसल उस गुफा में देखने के लिए सुरेंद्र सिंह जी जो शिकारगाह के नायब अफसर थे उनके कंधे पे कुंवर अजमर्दन सिंह जी जो महाराजा मार्टन सिंह जो देव के फिर एडीसी हुए वो कंधे में बैठ के उसमें गुफा में झांके तो सफ़ेद शेर का जो बच्चा था वो वहाँ पर घुसा हुआ था। तो एक उसके लिए पिंजरा बनवाया गया और पिंजरे में बनवा के उसमें मुर्गा रखा गया। मुर्गा को खाने के लालच में वो सफ़ेद शेर का बच्चा पिंजरे में दाखिल हुआ और पकड़ा गया।